बजट बजट बजट। कुछ भी आपको काम करना हो, कोई भी आप प्लानिंग कर रहे होते हो, तो उसका पूरा बजट जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है। आजकल एब्रॉड स्टडी के लिए काफी सारे स्टूडेंट जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में कनाडा स्टडी के लिए जाने वाले स्टूडेंट को टोटल कितना बजट होता है इसके बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। IELTS कोचिंग से लेके कनाडा पहुंचने तक का पूरा खर्चा कवर करेंगे। उसमें पूरे साल की पढ़ने की फीस, लिविंग एक्सपेंस, हर एक एक्सपेंस को हम विस्तार से आपको डिटेल में समझाएंगे और कवर किया है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मेरा दावा है कि कनाडा स्टडी को लेके जो बजट का प्लानिंग है उसमें आपकी जरा सी भी चूक नहीं होगी। हर एक एक्सपेंस को हमने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से बजट प्लान कर पाओगे। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अलग अलग एजेंसीज के पास जाते हैं, वहां कई बार ऐसा होता है कि उनको बजट को लेके पूरा गाइडलाइंस नहीं मिलता है और इसके कारण प्रॉपर बजट प्लानिंग पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं और ऐसे केसेस में एंड टाइम पे बजट प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अंत तक ये आप वीडियो जरूर देखें ताकि आप आपके बच्चों के लिए अच्छी तरह से बजट का प्लानिंग कर सके। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल बटन जो है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम IELTS कोचिंग से शुरू करते हैं। IELTS कोचिंग के लिए स्टूडेंट को अलग अलग शहर में अलग अलग इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं उसमें अलग अलग उसकी फीस रहती है। लगभग 10,000 से लेके 15,000 रुपीज तक इसका चार्जेस रहता है। हमने यहाँ लगभग मैक्सिमम अमाउंट कवर करने के लिए ताकि आप अच्छी तरह से बजट प्लानिंग कर सको इसलिए हमने 15,000 की अमाउंट ली है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो लेवल कम है और उसको पर्सनल ट्यूशन की जरूरत होती है, तो उस केस में ये अमाउंट बढ़ भी सकती है, मगर स्टैंडर्ड जो एक अमाउंट हम कंसिडर करते हैं वो 15,000 इंडियन रुपीज। उसके बाद IELTS का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद स्टूडेंट जब IELTS का एग्जाम्स फीस जब भरता है तो उसका जो एक्सपेंस है वो 15,500 रुपीज है। ये जो एग्जामिनेशन फीस जो है वो हमने सितंबर 2023 के हिसाब से कंसीडर की है, फ्यूचर में पॉसिबल है कि ये अमाउंट बढ़ भी सकती है। IELTS एग्जाम के बाद जब IELTS बैंड स्कोर आ जाते हैं और प्रॉपर बैंड अगर स्टूडेंट ले आता है उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कॉलेज के लिए जो एक्सपेंस होता है वो बताऊंगा और फिर लास्ट में मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा जिसमें यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम प्लानिंग करते हैं जाने के लिए तो कितना एक्सपेंस होगा वो भी मैंने अलग से बाइफर्केट किया है ताकि जो स्टूडेंट को कॉलेज में जाना हो तो वो भी उनके हिसाब से बजट प्लानिंग कर सके और जिस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में प्लानिंग करना हो तो वो भी उसके हिसाब से उनका बजट प्लानिंग कर पाए। IELTS के बैंड स्कोर आ जाने के बाद स्टूडेंट को लगभग 3 से 4 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना रहता है फॉर सेफर साइड। तो अप्रोक्सीमेटली उसका जो इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर हम गिनती करें तो 20,000 के आसपास का अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस होता है। ये एप्लीकेशन फीस जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। कॉलेज में से ऑफर लेटर आ जाने के बाद पेरेंट्स को दो बड़े खर्चे आते हैं जिसमें से एक है कॉलेज का फीस भरना और दूसरा जो है वो GIC। दोस्तों मैंने पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग IELTS कोचिंग से कनाडा पहुंचने तक का पूरा जो जर्नी है उसके लिए एडवांस में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जर्नी अगर जानना है और कितना वक्त लगेगा ताकि आप बजट भी उस तरह से प्लानिंग कर पाओ तो उसके लिए आप वो हमारा जो वीडियो है उसको देख सकते हो और उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कनाडा में कॉलेज फीस जो है वो लगभग 10 से लेके 11 लाख इंडियन रुपीज के हिसाब से रहता है एक साल का। ठीक है, फिर और ये जो फीस जो है वो पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में से भरना होता है और जो GIC है जो स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस के लिए हमको भरना है जिसको गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो उसका जो खर्चा है वो लगभग 6.5 से 6.5 लाख के आसपास रहता है और ये जो अमाउंट है वो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में से हमको पेमेंट करना रहता है। तो ये दो बड़े एक्सपेंसेस आपके आते हैं, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करके रखिए।
उसके बाद जो है वो मेडिकल का एक्सपेंस आता है। मेडिकल का जो एक्सपेंस होता है वो लगभग 6,500 के आसपास होता है। अगर स्टूडेंट ने उसके बॉडी पे कोई टैटू करवाया होता है तो उसका एक्सपेंस जो होता है वो अलग से लगता है। कॉलेज का एक साल का फीस, GIC एंड मेडिकल कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट जो होता है वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस रहता है। ये जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका 150 कैनेडियन डॉलर एक्सपेंस होता है एंड बायोमेट्रिक जो है उसका 85 कैनेडियन डॉलर खर्चा आता है। ये दोनों का पेमेंट एक साथ जब वीजा का एप्लीकेशन करते हैं तब एक साथ करना होता है, जो 235 कैनेडियन डॉलर होता है और अप्रोक्सीमेटली इंडियन रूपीज के हिसाब से 15,000 के आसपास का खर्चा आपको आएगा। एप्लीकेशन हो जाने के बाद जब स्टूडेंट को वीजा मिल जाता है, मतलब उसको PPR आ जाता है, पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए रिक्वेस्ट आ जाता है, तब स्टूडेंट को जो पासपोर्ट होता है वो स्टैंपिंग के लिए VFS में भेजना होता है, तो उसका जो कुरियर का एक्सपेंस होता है वो लगभग 3,000 के आसपास होगा इंडियन रूपीज। ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में दो एक्सपेंसेस आपको करने रहते हैं, वो है एयर टिकट एंड दूसरा होता है शॉपिंग। एयर टिकट जो है वो 1.25 से लेकर 1.5 लाख तक के आसपास का आपका अप्रोक्सीमेट इंडियन रूपीज के हिसाब से खर्चा होगा एंड जो शॉपिंग है वो इंडियन रूपीज 40,000 से लेकर 50,000 तक के आसपास का आपको खर्चा आ सकता है। यहां तक पूरे प्रोसेस में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। और इसके अलावा जो दूसरे खर्चे आपको लग सकते हैं उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं कवर करना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट वीजा आ जाने के बाद जाने के लिए तैयारी करता है तो सेफर साइड कुछ अमाउंट जो होती है उसको अपने साथ कैरी करना रहता है, क्योंकि जब स्टूडेंट वहां पहुंचता है तो जो GIC अकाउंट में उसने फंड जमा किया है वो उसको तुरंत यूज करने के लिए नहीं मिलता है। तो तब तक उसको, जब तक वो 15-20 दिन लगता है उसके GIC अकाउंट एक्टिव होने में और उसका डेबिट कार्ड उसके पास पहुंचे, तब तक उसको जो भी खर्चा होगा उसके लिए सेफर साइड कम से कम 2,500 कैनेडियन डॉलर जितना रकम उसको अपने साथ रखना होता है, जो इंडियन रूपीज के हिसाब से लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है। ये जो अमाउंट मैंने आपको सजेस्ट किया है ये सेफर साइड है, आप आपके खर्चे के हिसाब से उसको बढ़ा के 3,000-5,000 कैनेडियन डॉलर तक ले जा सकते हो। और हाँ, सेफ साइड के लिए अगर स्टूडेंट ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेना चाहता है तो वो भी सेफर साइड ले सकता है, जिसका खर्चा आपने इंश्योरेंस कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कितनी अमाउंट कवर करने के लिए लिया है उस पर डिपेंड करता है, वो 8,000-10,000 से लेकर 11,000-12,000 तक के आसपास का आपको खर्चा इंडियन रूपीज के हिसाब से आ सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने हर एक खर्चे को बहुत बारीकी से कवर किया है ताकि आपके पेरेंट्स जो है वो अच्छी तरह से उनका बजट प्लानिंग कर सके और फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना आ सके। आप ज्यादातर देखा होगा तो कई सारी एजेंसीज जो होती है वो कनाडा स्टडी अब्रॉड का जो एक्सपेंस होता है उसके लिए 14-15 या 16 लाख के आसपास का खर्चा कहते हैं, मगर कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो वो कवर करते ही नहीं है और पेरेंट्स को बाद में मुसीबतें झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने IELTS कोचिंग से लेके एंड तक जितने भी खर्चे कवर किए हैं तो उसका बजट आप कुल मिला के देखोगे तो इंडियन रुपीस के हिसाब से 18-19 लाख से लेके 20-21 लाख तक के आसपास का रहता है। ये जो मैंने आपको बजट प्लानिंग बताया है वो जैसे आगे कहा वैसे ये कॉलेज एक्सपेंस के लिए है, अगर स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेके जाता है उसके लिए है, और अगर स्टूडेंट का प्लानिंग यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए है तो उसका कनाडा में यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस का जो एक्सपेंस है एक साल का वो कम से कम 15-17 लाख से लेके 30-35 या 40 लाख या उसके ऊपर भी हो सकता है। और ये जो एक्सपेंस है वो कनाडा में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है एंड दूसरा आपने प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट किया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट्स को बजट जो है वो कम से कम 25 लाख से आसपास से स्टार्ट करके 50 लाख के आसपास का ये बजट हो सकता है। फ्रेंड्स, हमने बजट प्लानिंग के लिए हर एक पॉइंट को कवर किया है, उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा एंड आपके कई सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप निश्चिंत ही हमको कमेंट कर सकते हो एंड कनाडा रिलेटेड अगर आपको दूसरे कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी वीडियोस है उसकी लिंक ऑलरेडी दी हुई है, तो आप उसको देख के नॉलेज ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।